पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। प्रकृति ने हमें हवा, पानी और पेड़ पौधों के रूप में अनेक बहुमूल्य उपहार दिए हैं, जिनसे हम अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाते हैं। ये जीवन चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है, लेकिन विकास की इस अंधी दौड़ में पिछले कुछ वर्षों में हमने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। परिणाम स्वरूप भूजल का समाप्त होना, बारिश की कमी, अनेक तरह के प्रदूषण जैसी समस्याएं हमारे सामने उठ खड़ी हुई। जरूरत है पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की, और ये बीड़ा उठाया टोंक जिले के लांबा गांव के निवासी विष्णु लांबा ने। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और इस कहावत को चरितार्थ सिद्ध किया विष्णु लांबा ने। विष्णु लांबा को बचपन से ही पर्यावरण के प्रति विशेष लगाव रहा। श्री कल्पतरु संस्थान पिछले 20 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। संस्थान ने अब तक 5 लाख से अधिक पेड़ लगाए और वितरित किए, साथ ही विकास के नाम पर काटे जाने वाले 8 लाख से अधिक वृक्षों को बचाया। संस्थान 15 साल से एक पौधा नियमित रूप से कहीं न कहीं लगाता आ रहा है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में जयपुर के स्मृति वन सहित विभिन्न संस्थानों पर पौधारोपण किया जाता रहा है। विकास के नाम पर कटने वाले वृक्षों में बांडी का बहाव क्षेत्र, कालवाड़ की गोपाल योजना, स्टैच्यू सर्कल, राम सिंह रोड, वर्ल्ड हैबिटेट सेंटर, अल्बर्ट हॉल, नेशनल हाईवे, B2 बाईपास, नींदड़ आवासीय योजना इत्यादि, जहां संस्थान ने पर्यावरण विरोधी योजनाओं का विरोध कर लाखों हरे वृक्षों सहित असंख्य पशु पक्षियों को बचाया। पिछले 11 वर्षों से गर्मियों के महीनों में 15 अप्रैल से 30 जून तक बेजुबान पक्षियों के लिए, परिंदों के लिए परिंडा अभियान चलाकर लाखों परिंडे लगाए और वितरित किए। ये अभियान आज तक केवल राजस्थान में चलाया जाता रहा है, लेकिन इस बार देश के 23 राज्यों में 5 लाख परिंडे लगाने और वितरित करने का लक्ष्य लिया गया है, जिसमें से राजस्थान में 2,21,000 परिंडे लगाए और वितरित किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि अपने अपने घरों के बाहर, अपने जो हर घर के बाहर कुछ न कुछ पेड़ पौधे होते हैं, उन पर पशु पक्षियों के लिए या पक्षियों के लिए पानी का ये जो आपने परिंडा दिया है, वो परिंडा हर घर, हर कार्यकर्ता अपने घर के बाहर लगाए तो ये पशु पक्षी जितने भी हैं उनको इसमें पानी पीने को अच्छा लगता है। मैं तो राजस्थान के लोगों को आप कहना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रही है, नेक काम कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं परिंदों के लिए, बर्ड्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंसान इंसान को नहीं दिखता। आप तो पक्षियों के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने जो काम किया है एक पुण्य का, बहुत अच्छा किया, और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे हाथों से इतना अच्छा काम करवाया। मैं कल्पतरु संस्थान को अपनी तरफ से शुभकामना देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छे अभियान के साथ जुड़े। संस्थान ने 100 गाँवों को पर्यावरण दृष्टि से कल्प ग्राम, आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लिया है। ऋग्वेद काल के बाद संस्थान के प्रयासों से पहली बार ग्रीन वेडिंग, पर्यावरणीय विवाह सम्पन्न कराया गया, जिसमें दहेज नहीं लेकर कन्यादान में सिर्फ कल्प वृक्ष के 2 पौधे लिए गए, जिसमें ससुराल पक्ष ने इस पहल से खुश होकर 1 ट्रैक्टर पौधे दिए। बारातियों को भी विदाई में पौधे दिए गए। दूल्हे के घर आने वाले सभी मेहमानों से पौधरोपण कराया गया। डिस्पोजल ग्लास के स्थान पर मिट्टी का कुल्लड़ और डिस्पोजल प्लेट्स के स्थान पर पेड़ के पत्ते से बनी पत्तल का उपयोग किया गया। शादी का कार्ड भी मात्र 2.5 इंच का छपवाया गया, जिसमें भी पौधरोपण की स्पष्ट सूचना थी। ये विवाह श्री कल्पतरु संस्थान के अध्यक्ष विष्णु लांबा के अनुज का था। संस्थान के प्रयासों से विश्व में पहली बार पाली जिले की जैतारण तहसील में हाथियों पर वृक्षों की शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही प्रदेश के 500 से अधिक वृक्ष मित्रों का सम्मेलन कराया गया, जिसमें गुड़ की लापसी केले के पत्तों पर परोसी गई। संस्थान के सभी कार्यक्रम, अभियान संस्थान से जुड़े शुभचिंतकों के आपसी सहयोग से ही संपन्न कराए जाते रहे हैं।
संस्थान लंबे समय से रेगिस्तान के जहाज ऊंट के संरक्षण व संवर्धन को लेकर अभियान चलाता रहा है, जिससे जुलाई 2014 में सरकार ने राज्य पशु का दर्जा दिया है। संस्थान प्रदेश और विशेष रूप से टोंक में हो रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार का विरोध कर रोकथाम का प्रयास करता रहा है। संस्थान ने जयपुर में होने वाले जयपुर साहित्य महाकुंभ में वर्ष 2015 से एक नया इतिहास रचते हुए माला और बुके के स्थान पर आने वाले सभी मेहमानों को तुलसी का पौधा देकर स्वागत करने की अनूठी परंपरा कायम की है, जिसका शुभारंभ राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे को तुलसी देकर किया गया। इस्लाम में कहा गया है कि पेड़ लगाना जो है वो सदकाए जारिया है, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मुझे बड़ा हर्ष है कि आप लोग इस धरती को हरा भरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और यहाँ ये जो विष्णु लांबा ने तुलसी वितरण का प्रोग्राम किया है, ये पर्यावरण के लिए भी और मानव जीवन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है और बहुत अच्छा मैसेज देता है। आज ये तुलसी का पौधा वितरित किया जा रहा है कल्पतरु संस्थान के द्वारा, ये बहुत अच्छी बात है। ये तुलसी का पौधा मैं सोचता हूँ हर घर में होना चाहिए, और इस तरह से एक पुरस्कार के रूप में, एक मोमेंटो के रूप में पौधा देना एक बहुत अच्छी बात है। कल्पतरु संस्थान इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस तुलसी व्हिच इज रियली वेरी नाइस। हम लोग ये जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में आए हुए हैं और बड़ी खुशी हुई हम लोगों को ये मुफ्त में पौधे कल्पतरु संस्थान के द्वारा बांटे जा रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है और बसंत पंचमी के दिन ये बांटे जा रहे हैं, तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि इस अवसर का लाभ उठाएं। वेरी थैंकफुल टू कल्पतरु संस्थान, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्लांट्स टू एवरीबॉडी हूएवर इज कमिंग इन द लिटरेचर फेस्ट। कल्पतरु संस्थान ने हमें ये रिक्वेस्ट किया था कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उनका तुलसी का पौधे सबको दिया जाए, ताकि वो घर जाके वो उस पौधे को स्थापित करे, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सुधार करने के लिए हम समझते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं चाहूँगा कल्पतरु संस्थान की ये मुहिम और आगे बढ़े। As I entered, I got this tulsi plant and I really appreciated getting this plant. Hi everyone, I'm Jennifer Inselman and please support this campaign for a green world, clean world. मैं कल्पतरु संस्थान का बहुत आभारी हूँ और मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा ही जो अभियान जो वो बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं उसको अभी तक चालू कर रखा है। यहाँ आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह यहाँ पानी की शॉर्टेज है, मुझे ख़तरा कश्मीर पे जंग का कम है, पानी पे जंग का ज़्यादा है। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, लोगों को पेड़ दे रहे हैं, आप उन्हें एक लिविंग चीज़ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो कल्पतरु का तो नाम ही ऐसा अच्छा है कि कल्पतरु, तो सारे जो तरु हैं, तरु माने पेड़ पौधे, तो कल्पतरु यदि उनकी सबकी कल्पना करता है और उनको बनाए रखना चाहता है तो कल्पतरु का साथ दीजिए, अपने घर में बहुत सारे पौधे उगाइए और पौधे दीजिए। अगर इन आयोजन में तुलसी रा पौधा अठे आवण वाला मेहमाना ने भेंट करीजे तो आ अपारी परंपरा रो इज विस्तार है। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजकुमार रिणवा की अपील पर संस्थान ने सिंदूर जैसी दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षण देने का कार्य हाथों में लेकर जल्द ही ऐसे पौधों को घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। संस्थान हर वर्ष वृक्ष मित्र सम्मान समारोह, पक्षी मित्र सम्मान समारोह, पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय सेवाएं देने वाले पत्रकारों, वीरांगनाओं, सैनिकों का सम्मान समारोह, सरोवर पूजन, वृक्ष पूजन, विशाल पर्यावरण चेतना रैलियों, पौधरोपण, घर घर तुलसी हर घर तुलसी, निःशुल्क पक्षी चिकित्सा शिविर, नेत्रदान, वस्त्रदान जैसे अभियान चलाकर हर किसी को पर्यावरण के करीब लाने का सफल प्रयास करता रहा है। मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे से घायल होने वाले पक्षियों के लिए पिछले 7 वर्षों से निशुल्क पक्षी चिकित्सा शिविर का आयोजन संस्थान की ओर से जयपुर के कई स्थानों पर किया जाता रहा है, जिसमें हर वर्ष हजारों पक्षियों को बचाकर जयपुर जू, हेल्प इन सफरिंग या अन्य संस्थाओं को सुपुर्द किया जाता है।
संस्थान के प्रयासों से आजादी के बाद पहली बार देश के 22 राज्यों में भ्रमण कर 56 से अधिक क्रांतिकारियों के परिवारों को तलाश कर शहीदों के जन्म और बलिदान स्थलों पर पौधरोपण और परिंडे जैसे कार्यों द्वारा देश भर में पर्यावरण का संदेश दिया गया। साथ ही देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार, मुख्यमंत्री पंजाब जैसे कई सम्माननीय नागरिकों से मिलवाकर समस्याओं से अवगत कराते हुए सम्मानित कराया गया। भारत के इन महान क्रांतिकारी परिवारों के सम्मान में जयपुर, अजमेर, कोटा, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, तलेगांव, डमडरे, हुसैनिया वाला सहित 28 कार्यक्रम देश के कई हिस्सों में करवाकर जनता में प्रकृति और संस्कृति का संदेश दिया गया। संस्थान 20 वर्षों से राजस्थान में सक्रिय है, लेकिन संस्थान का पंजीकरण राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत दिनांक 4 मई 2011 को हुआ। इन 20 वर्षों के संघर्ष के रास्तों में जुड़े शुभचिंतकों के अनथक प्रयासों से अब वर्ष 2015 से देश के 23 राज्यों में काम करेगा श्री कल्प तरु संस्थान। संस्थान अध्यक्ष विष्णु लांबा ने वर्ष 2007 में अपने गांव लांबा में एक पर्यावरण सभा में कहा कि जिसने अपने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए उसे चिता पर जलने का कोई अधिकार नहीं। कम से कम अपने अंतिम संस्कार के लिए अपने जीवन में 5 पेड़ जरूर लगाएं, और अगर आपके सहयोग के साथ परमात्मा ने जिंदगी दी तो 5 करोड़ मैं लगाऊंगा। और नारा दिया, हरित भारत, हर्षित भारत। मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। आज विष्णु लांबा के इस नेक कार्य से समाज के कई जाने माने लोग जुड़ चुके हैं। सभी ने उनके इस नेक कार्य की मुक्त कंठ से सराहना की है। हरियाली की चूनर देकर धरती का श्रृंगार करे, वृक्ष पहाड़ नदी झरने और जीव जंतु से प्यार करे। हरियाली की चूनर देकर धरती का श्रृंगार करे, वृक्ष पहाड़ नदी झरने और जीव जंतु से प्यार करे। हरियाली दर्दी से पेड़ों का अब कत्ले आम न होने देंगे, वसुधा के पावन नाचल को हम नीलाम न होने देंगे। दर्दी से पेड़ों का अब कत्ले आम न होने देंगे, वसुधा के पावन नाचल को। मेरी सभी आप लोगों से, राजस्थान वासी सुन रहे हैं या बाहर में जो भी हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, कि आप लोग कल्पतरु से जुड़िए। मैं आज कल्पतरु संस्थान आई हुई हूँ, वहाँ पे मैंने देखा कि कैसे पेड़ लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान हो सके तो एक पेड़ तो ज़रूर लगाइए। कल्पतरु संस्थान ने ये जो वृक्षारोपण और परिंडे बांधने का कार्यक्रम रखा है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। विष्णु जी लामा हमारे पर्यावरणविद जो हैं, वो इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। और पौधे हैं और इनको अधिक से अधिक लगाना चाहिए, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसमें जो है अभिवृद्धि होती है। कल्पतरु जो योजना है ये बहुत अच्छी संस्था है और जो काम कर रही है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मिस्टर लांबा, कि आप इतनी कम उम्र में ये चीज़ आपने शुरू किया है और इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, इतनी दूर आपकी पहुंच है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान आपको इसमें सफलता दे। कल्पतरु संस्थान लाखों पौधे से लगा रही है और प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भी अपने अपने जन्मदिवस पर इस प्रकार पौधारोपण करें। विष्णु जी एक पौधा लोज लगाकर आने वाले दिनों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो एफर्ट है कल्पतरु का, जो कि हर इंस्टीट्यूशन से जुड़ने का है, बर्ड्स के लिए और जानवरों के लिए, जिनको इस टाइम पर इस गर्मी के अंदर किस तरह राहत मिले और हम एक पर्यावरण से जुड़े। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। तो वो चिड़िया जो है उसके लिए दाना और पानी का प्रबंध श्री कल्पतरु संस्थान कर रहा है। मैं भी आज उनके इस अभियान में शामिल हूँ। आप लोग भी अगर मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो इस कॉज में आगे बढ़िए, अपना योगदान दीजिए। जो ये काम करते हैं मैं उनको देवता मानता हूँ।
पेड़ लगाना तो सबसे ज़्यादा सौभाग्य की बात है और आज विष्णु जी ने सौभाग्य मुझे दिया, मैं इनका आभारी हूँ। अगर आप किसी को रोटी देते हैं तो एक वक्त या दो वक्त में ख़त्म हो जाती है, कपड़ा देते हैं वो फट जाता है, लेकिन अगर आप एक पौधा लगाते हैं, उसे पेड़ बनाते हैं, तो न जाने कितने पक्षियों, कितने मनुष्यों को आश्रय देता है, छाया देता है, फल देता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। इससे बड़ा कोई काम इस युग में नहीं हो सकता। हम लोग हैं राजस्थान से, जिसमें डेजर्ट की मात्रा काफ़ी बड़ी है, तो उस डेजर्ट को हरा करने में अगर हमारा 0.0001% भी योगदान होता है, आई थिंक सब मिलके करेंगे तो बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। कल्पतरु जो संस्था है बहुत ही अच्छा काम कर रही है पौधे लगाने के लिए, क्योंकि हम भी एक ग्रीन इंडिया बनाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम बच्चों का हैप्पी बर्थडे जन्मदिन मनाते हैं, तो हर माँ बाप को, हर माता पिता को एक ही लक्ष्य रखना चाहिए कि हैप्पी बर्थडे के दिन एक पौधा जरूर लगाएं। जिस तरह से मुझे आज आपके इस कार्यक्रम में देखकर हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आने वाले समय में ये राजस्थान पूरा हरा भरा हो, हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, जिससे पूरे हरे भरे राजस्थान की एक कल्पना की जा सके। श्री कल्पतरु संस्थान जो है, ये जो वर्क कर रहे हैं, इनके साथ ज़रूर सहयोग करें। जो ये कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपना वक्त जो थोड़ा सा, अगर 5 मिनट भी अगर एक दिन में अगर पेड़ को दे पाएँ तो प्लीज़ दीजिए। कल्पतरु संस्थान पेड़ लगाने की बात कर रही है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और ये हमेशा आगे करें। आप भी जागिए, पेड़ लगाइए। श्री कल्पतरु संस्थान ये जो काम कर रहा है पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधे लगाने के लिए, ये एक्चुअली हमारे आपके जीवन के लिए काम कर रहा है। आप जब मौका मिले, चाहे साल में एक दफ़ा मिले या दो दफ़ा मिले, आप कहीं ना कहीं जाके एक छोटा सा पौधा लगा दें तो वो आपकी एक बेसिक कंट्रीब्यूशन है मदर अर्थ के लिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ये जो शुरू किया है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया बनाने के लिए, आपकी जो संस्था है जिस तरीके से, जिस व्यू पॉइंट से एक कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट कोई तो कोशिश कर रहा है। मैंने पौधा लगाया जब मैं छोटा था और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी लगाएं। तो ये माहौल बहुत अच्छा बन रहा है और मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ, आपकी संस्था को देता हूँ। मैं कल्पतरु संस्थान के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि ये संस्था नहीं है, ये वो एक ऑक्सीजन है जो हर इंसान की ज़रूरत है। कहते हैं NGO बहुत सारे होते हैं, लेकिन वहाँ गिव एंड टेक, लेन देन, ये सब चलते रहता है। लेकिन मैं इनके बारे में जितना जाना, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ये संस्था वाकई में आज से मेरा परिवार है और इस संस्था के लिए जब भी मेरी कहीं ज़रूरत पड़ेगी, आई प्रॉमिस कि मैं वहाँ मिलूँगा। आपने इस मुहिम के लिए मुझे याद किया, मैं बहुत आभारी हूँ और थैंक्स कहता हूँ मैं, और पूरे देशवासियों को कहता हूँ कि सब इसमें जुड़ें और देश को बचाएं। श्री कल्पतरु संस्थान को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। मेरी जानकारी में आया कि लंबे समय से ये संस्थान पूरे प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण का काम बड़े रूप में कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत इनको बधाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर और लोग, नौजवान आगे आएंगे और इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। कल्पतरु संस्था जैसी संस्था हमें मार्गदर्शक है, हमारी प्रेरणा स्रोत है, हमें याद दिलाती है, समय समय पर हमें जगाती है। कल्पतरु संस्थान जो है एक धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने बहुत बड़ा अच्छा बीड़ा उठाया है। श्री कल्पतरु संस्थान ने जो अभियान जोड़ा है पेड़ लगाने का, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, इस अभियान से जुड़ना चाहिए सबको। और मेरा ख्याल है मेरे चाहने वाले जितने हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस संस्थान से, इस अभियान के साथ जुड़े। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा कल्पतरु संस्थान को कि जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी है, जहां ये डिस्ट्रीब्यूशन लगा हुआ है इस इतने खूबसूरत पोर्ट का, पक्षियों के लिए पानी इसमें डालें। तो आप सब लोग पेड़ लगाएं, और ये जो कल्पतरु का उद्देश्य है या ये जो लोग काम कर रहे हैं, इसमें आगे आके जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं लें। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मोदी जी के बाद मैं ये प्लांट कर रहा हूँ। पर्यावरण संरक्षण न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आज पर्यावरण बचाएंगे तभी भावी पीढ़ी के चेहरे पर मुस्कान देख पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री कल्पतरु संस्थान के ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय हैं। यदि आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें श्री कल्पतरु संस्थान, कल्पतरु भवन, सिद्धार्थ नगर, नियर जवाहर सर्कल, स्टेट हैंगर रोड, जयपुर। आप हमें ईमेल कर सकते हैं teamkalptaru108@gmail.com या kalptaru108@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.shrikalptarusansthan.com। फोन नंबर 9983809898।